प्राणायाम 1 से 5 मिनट करना है गर्भवती माताओं बहनों को। पवित्र विचार शिव संकल्प हृदय में, हे प्रभु शक्ति दो, साहस दो, ऊर्जा दो, बल दो, पराक्रम दो, धैर्य दो, आत्मविश्वास दो, प्रज्ञा दो, विवेक दो, सुमति दो, साहस दो। भगवान से प्रार्थना करना और प्रार्थना के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना। गर्भवती माँ का हृदय स्वस्थ रहेगा। यदि उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, यदि उसको अस्थमा की भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम है, वो भी दूर हो जाएगी अपने आप। भगवान आपको ईश्वर पुत्र मानना और ईश्वर का प्रतिनिधि मानना, और तुम हो ही ईश्वर की प्रतिनिधि। आखिर इस धरती पर जिनको हम अवतारी पुरुष कहते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनको हम देवता कहते हैं, और भारत में तो देवताओं की पूजा अपने आप में कोई 36 करोड़ देवता और कोई विविध देवी देवताओं की आराधना हम करते हैं। ये देवता आखिर कहाँ से पैदा हुए? राम और कृष्ण की आखिर जननी कौन है? ये माँ ही तो है। माँ ही भगवान की जननी है, माँ ही वीरों की जननी है, ये माँ ही ऋषियों की जननी है। तो माँ के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, और वो माँ जब सच्चे अर्थों में माँ बन जाएगी तब फिर देखना ये धरती बहुत खूबसूरत होगी, इंसान बहुत खूबसूरत होगा, इंसान के रूप में मानो भगवतीय शक्ति उतरेगी। तुम अपने आप को ईश्वर की पुत्री जानना। जो गर्भवती माताएं बहने इस प्राणायाम को करें, सहज योग करना और छोड़ दे। हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क ये तो स्वस्थ होंगे। पंच प्राण, प्राणापान व्यानुदान समान, पंचकोश अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये पांचों कोश और पांचों तत्व पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, ये सब कुछ स्वस्थ होंगे, परिपुष्ट और ऊर्जावान होंगे। श्वासों को भीतर गहरे भरने से फिर बच्चे को भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, माँ को भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, डिप्रेशन भी नहीं होगा। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल देखते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे, माँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है, माँ मुझे डिप्रेशन हो गया है। छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के, 10-10 साल के बच्चे डिप्रेशन, क्योंकि माँ डिप्रेशन में थी जब वो भीतर घर में पल रहा था। तो ध्यान रखना माताओं बहनों को ये प्राणायाम 1 से 5 मिनट करना, गर्भवती माताओं बहनों के लिए खास। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, फेफड़ों में श्वास को भरना, साउंडलेस ब्रीदिंग होगी और प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना, और फिर देखना अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस आदि है तो ये प्राणायाम की प्रक्रिया रोज कर ही लेना भस्त्रिका से। फिर इसके बाद कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम नहीं करना गर्भवती माताओं बहनों को। ये कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम भी नहीं करना है, ये निषिद्ध। गर्भवती माताएं बहने इनको ना करें। हाँ, आफ्टर डिलीवरी इनको जरूर करना। आफ्टर डिलीवरी इनको करेंगे तो जो पेट के ऊपर लाइनिंग आ जाती है, जो सफेद सफेद लकीरें हो जाती हैं और पेट मोटा हो जाता है, वो सब भी दिक्कतें नहीं आएंगी। वैसे प्राणायाम आप प्रतिदिन करते रहेंगे तो एक खास बात ये भी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, बच्चा अस्वस्थ नहीं होगा, वो मंगोल नहीं होगा, वो मंदबुद्धि नहीं होगा, वो अपंग नहीं होगा। अपंग बच्चे इस देश के अंदर लाखों की संख्या में हो चुके हैं, बहुत बुरा हाल है। किसी की गर्दन यूं लटक रही है, संभल में नहीं आती है, किसी को और कोई स्नायु की प्रॉब्लम है, कोई मंगोल है, मंदबुद्धि बच्चे, बहुत बुरा हाल। अपंग बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन। गर्भवती माताएं बहनें यदि प्राणायाम न करेंगी तो मानो एक पाप करेंगी, क्योंकि प्राणायाम के न करने से आपको एक बीमार बच्चा हो सकता है और आपको तो ढोना ही पड़ेगा जिंदगी भर। मैंने देखा उन माओं को जिनको अपंग बच्चे हो जाते, मंगोल बच्चे हो जाते, उन बच्चों को ढोती तो है लेकिन वो खुद ही जानती हैं कि आखिर किस तरह से उसको सहती है। और एक ऐसा इंसान आपने पैदा कर दिया जो धरती पर किसी काम का नहीं, इसलिए गर्भवती माताओं बहनों पर बहुत बड़ा दायित्व है, उनको प्राणायाम जरूर करना है। यदि आपने प्राणायाम ना किया और बच्चा मंगोल हो गया, बच्चा अपंग हो गया, बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, बच्चे को डायबिटीज होगी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप हैं उसके लिए जिम्मेदार। इसलिए आप ध्यान देना, प्राणायाम जरूर करना गर्भवती माताओं बहनों के लिए, भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद में कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, ये दोनों नहीं करना, इतना खास ध्यान देना।